हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम पढ़ रहे थे, माय लास्ट डचेस। ठीक है, दैट इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, माई लास्ट डचेस, दैट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग जो फॉर्म है उसको एस्टेब्लिश करने का, और उसको एस्टेब्लिश करने का क्रेडिट भी रॉबर्ट ब्राउनिंग को ही दिया जाता है। तो आज हम पोएम को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही पोएम में यूज़ होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मीन्स इसमें जो स्पीकर है वो एक सिंगल स्पीकर है। ठीक है, जो कि एक ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फेरारा। ठीक है, हु हैव किल्ड हिज वाइफ। ठीक है, हिज डचेस, हिज मिस्ट्रेस। तो इसमें जो ड्यूक ऑफ फेरारा है वो स्पीकर है, और एक एनवॉय है, एक मैसेंजर है, जो कि अभी जो ड्यूक ऑफ फेरारा है, ठीक है, जिसने हमें पोएम पढ़ने से ऐसे क्लूज़ मिलते हैं कि जिसने अपनी मिस्ट्रेस जो थी, अपनी जो लास्ट डचेस थी, ठीक है, जैसा कि हमारे पोएम का टाइटल है, तो उसने अपनी जो लास्ट डचेस थी उसका मर्डर करवा दिया था, एंड नाउ ही वॉन्ट टू मैरी अगेन। ठीक है, तो अब वो फिर से शादी करना चाहते हैं, और उसके लिए कोई एनवॉय आया हुआ है, कोई मैसेंजर आया हुआ है। ठीक है, तो उसके सामने वो अपनी जो लास्ट डचेज है उसकी पेंटिंग को पेंटिंग दिखाता है, और अपनी जो लास्ट डचेज है उसके कैरेक्टर के बारे में वो उस एनवॉय से, उस मैसेंजर से बात करता है। ठीक है, तो ये एक मोनोलॉग है जिसमें सामने मैसेंजर है, एनवॉय है, वो सिर्फ सुनता है, बोलता सिर्फ यहाँ पर ड्यूक है। ठीक है, सो पोएम स्टार्ट करते हैं। That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. तो ड्यूक बोल रहा है, ठीक है, ड्यूक ही बोलेगा पूरी पोएम में। सो दैट्स माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल, ये मेरी लास्ट डचेज है, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। वी डोंट नो द डचेज इज अलाइव और नॉट। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो ज़िंदा है या नहीं है, क्योंकि अभी हमारी पोएम सिर्फ स्टार्ट हुई है, लेकिन यहाँ पर ड्यूक ने जो कहा कि शी इज़ लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, वो ऐसी लग रही है जैसे कि वो ज़िंदा है, मीन्स शी इज़ नाउ डेड। ओके, सो इट्स कन्फर्म दैट शी इज़ नो मोर। आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ, फ्रा पेंडोल्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। ठीक है, आई कॉल दैट पीस अ वंडर, जो कह रहा है कि ये जो पेंटिंग है, आई कॉल इट अ पीस ऑफ वंडर। ठीक है, फ्रा पेंडोल्फ, दैट इज द आर्टिस्ट, दैट इज द पेंटर ऑफ दैट पेंटिंग। ठीक है, तो फ्रा पेंडोल्फ आर्टिस्ट है, पेंटर है, जिसने डचेस की पेंटिंग बनाई है। तो फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे, एक पूरे दिन तक फ्रा पेंडोल्फ के हैंड्स ने वर्क किया था कंटिन्यू, एंड देयर शी स्टैंड्स, और उस एक दिन के वर्क के बाद में देयर शी स्टैंड्स, यहाँ पर उसकी पेंटिंग है, मीन्स फ्रा पेंडोल्फ ने एक पूरे दिन में इस पेंटिंग को बनाकर तैयार किया था। ठीक है, Will it please you sit and look at her? It's a rhetorical question. Will it please you sit and look at her? क्या तुम बैठोगे और उसको देखोगे? ठीक है, तो ये जो लाइन है उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ड्यूक जो है वो किसी से बात कर रहा है। ठीक है, उसके सामने कोई है जिससे वो ये कह रहा है। ठीक है, और बीच बीच में हमें नहीं पता कि मैसेंजर ने क्या कहा, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता है कि उसने कुछ पूछा होगा और उसका फिर ड्यूक ने क्या किया होगा, रिप्लाई किया होगा। आई सैड फ्रा पेंडोल्फ बाई डिज़ाइन फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस बट टू माई सेल्फ दे टर्नड सिंस नन पुट्स बाई द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। ठीक है,
विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, क्या तुम बैठोगे और उसकी तरफ देखोगे? आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसकी जो डिज़ाइन है दैट इज़ मेड बाई फ्रा पेंडोल्फ, ठीक है? फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस, पिक्चर्ड काउंटिनेंस का मीन्स है यहाँ पर द एक्सप्रेशंस ऑफ दैट पेंटिंग, ठीक है? उस पेंटिंग में उस डचेस की जो एक्सप्रेशंस हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है? काउंटिनेंस का मतलब यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन से हैं, तो उस पिक्चर में, उस पेंटिंग में, डचेस की जो पेंटिंग है उसमें जो उसके एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, उन एक्सप्रेशंस को तुम जैसे जो स्ट्रेंजर्स हैं वो नहीं समझ सकते हैं, ठीक है? दे आर नॉट एबल टू रीड, फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, और उस फेस, उस उन फेशियल एक्सप्रेशंस में, उस काउंटिनेंस में जो डेप्थ है और जो पैशन है और इसकी जो ग्लैंस है उसको तुम जैसे स्ट्रेंजर्स नहीं समझ सकते हैं, बट टू माई सेल्फ दे टर्नड सिंस नन पुट्स बाई द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, और जब वो जो स्ट्रेंजर्स हैं वो जब इस पेंटिंग को देखते हैं, लास्ट डचेस की जो पेंटिंग, उस पेंटिंग को जब वो देखते हैं तो वो उसकी डेप्थ और पैशन को नहीं समझ पाते हैं, और जब वो नहीं समझ पाते हैं तो दे टर्न टू माई सेल्फ, तब वो उस पिक्चर को देखते हुए मेरी तरफ टर्न करते हैं ये पूछने के लिए, ठीक है? एंड सिंस नन बट पुट्स बाई द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, और यहाँ पर ये जो लाइन है इससे हमें ड्यूक का नेचर पता चल रहा है, उसका बिहेवियर पता चल रहा है कि जो ड्यूक है उसने उस पेंटिंग के ऊपर कर्टेंस लगा रखे हैं और उन कर्टेंस को हटाने का जो हटाने की जो परमिशन है वो सिर्फ ड्यूक के पास में है, उसके अलावा उसकी उस कर्टन को कोई भी नहीं हटा सकता, ठीक है? एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट, ठीक है? और when they are not able to understand the depth and passion of its earnest glance, then they turned to me and seemed as they would ask me, ठीक है? What if they dust, if they dare, तो वो मेरी तरफ घूमते हैं पूछने के लिए, if they dare, अगर उनमें हिम्मत होगी तो पूछेंगे, अदरवाइज नहीं पूछेंगे वो, ठीक है? तो यहाँ इंडिविजुअल लाइन्स है उससे हमें ड्यूक का बिहेवियर और उसका जो नेचर है, ठीक है, वो पता चल रहा है कि वो किस तरह के नेचर का आदमी है, ठीक है? इफ़ दे डस्ट, इफ़ दे डेयर, हाउ सच अ ग्लेंस केम देयर, तो वो मुझसे पूछेंगे मेरी तरफ टर्न करके कि डचेस जो है उसके फेस पर ये ग्लेंस क्यों है, ठीक है? वो रीज़न पूछेंगे। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, तो तुम फर्स्ट नहीं हो जो मेरी तरफ टर्न होकर मुझसे पूछ रहे हो कि डचेस के फेस पर ये जो डेप्थ है और ये जो इंटेंसिटी है वो किस वजह से, यू आर नॉट द फर्स्ट हु आर आस्किंग मी, ओके? सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक, परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस्ड टू से हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच और पेंट मस्ट नेवर होप्स टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ ब्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट, ठीक है? तो हमें यहाँ पर इस तरह के क्लूज़ मिल रहे हैं, जैसे कि जो मैसेंजर है, जो एनवॉय है, उसने पूछा होगा उससे, ड्यूक से, कि जो डचेज़ है उसके फेस पर ये जो इंटेंसिटी है और ये जो डेप्थ है, ठीक है, और ये जो स्पॉट ऑफ जॉय है वो किस वजह से है। तो फिर ड्यूक ने उसको रिप्लाई किया कि यू आर नॉट द फर्स्ट हु इज़ आस्किंग इट, ठीक है? तो तुम फर्स्ट नहीं हो जो मुझसे पूछ रहे हो, तुम जैसे स्ट्रेंजर्स अक्सर ये पूछा करते हैं और तब मैं उनको बताता हूँ, ठीक है? तो वो रीज़न बता रहा है कि रीज़न क्या है उसके इन एक्सप्रेशंस का। परहैप्स, ओके सर इट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, डचेस के फेस पर जो स्पॉट ऑफ जॉय है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली called that spot of joy into the duchess cheek perhaps शायद फ्रा पेंडोल्फ chanced to say, ये उसके हस्बैंड के प्रेजेंस की वजह से नहीं है, शायद फ्रा पेंडोल्फ ने पेंटिंग बनाते समय डचेस से कहा होगा, क्या कहा होगा? हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, मेंटल लैप्स मीन्स ओवर कोट वी कैन से, सो उसका जो ओवर कोट है, ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, वो मेरी जो लेडी है मीन्स माई लास्ट डचेस, माई डचेस, उसकी रिस्ट जो है उसको कवर कर रहा है, तो शायद इतनी छोटी सी बात फ्रा पेंडोल्फ ने वो पेंटिंग बनाते समय कही होगी और उस बात को देखकर जो डचेस थी उसने क्या कर दी, स्माइल कर दी,
ठीक है, वो ब्लश करने लगी, और या फिर शायद पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट। ठीक है, तो ड्यूक जो है वो ये बताना चाह रहा है कि किस तरह से छोटी सी तारीफ पेंटर ने, फ्रा पेंडोल्फ ने डचेस की होगी, और उस छोटी सी तारीफ को सुनकर ही डचेस जो है वो क्या करने लग गई होगी, ब्लश करने लग गई होगी। तो उसके फेस पर ये जो एक्सप्रेशंस है, जो डेप्थ है, जो पैशन है, जो इंटेंसिटी है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स प्रेजेंस। ठीक है, सच स्टफ वॉज कर्टसी शी थॉट एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। ठीक है, तो इन लाइन से हमें जो डचेस थी उसका कैरेक्टर समझने को मिल रहा है कि सच स्टफ वॉज कर्टसी, कि जब पेंटर ने उसकी प्रेज की होगी, उसको उसकी ब्यूटी की को अप्रिशिएट किया होगा, तो सच स्टफ वॉज कर्टसी, तो अकॉर्डिंग टू द डचेस दैट स्टफ वॉज कर्टसी शी थॉट, ऐसा उसने सोचा होगा, एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और वो इनफ रीज़न था कि उसके फेस पर एक स्पॉट ऑफ जॉय हमें देखने को मिलता है। शी हैड अ हर्ट हाउ शैल आई से, ड्यूक कह रहा है कि शी हैड अ हर्ट हाउ शैल आई से, वो तो इस तरह की थी, मैं कैसे बताऊँ कि वो कैसी थी। टू सून मैड ग्लैड, वो बहुत जल्दी ग्लैड हो जाती थी, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। टू ईजीली इम्प्रेस्ड, और वो तो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, वो जो भी देखती थी वो सब चीज़ों को पसंद करती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो सब चीज़ों को नोटिस करती थी। तो इन लाइन से हमें फिर से डचेस का कैरेक्टर समझने को मिल रहा है कि वो किस तरह की लेडी थी। शी हैड अ हर्ट, शी वॉज अ काइंड हर्टेड लेडी, एंड शी हर्ड अ हर्ट हाउ शी लाइज से टू सून मैड ग्लैड, वो बहुत जल्दी खुश होने वाली और बहुत जल्दी इम्प्रेस होने वाली, ठीक है, सब चीज़ों को पसंद करने वाली लेडी थी। सर इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, द बो ऑफ चेरी, सम ऑफिशियस फूल ब्रॉक इन द ऑर्चार्ड फॉर हर, द वाइट म्यूल शी रॉड विथ राउंड द टेरिस, ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट। ठीक है, वो फिर से कुछ रीजन्स बता रहा है ड्यूक कि उसके लिए सारी चीज़ें एक जैसी थी। उसके लिए कोई फ्लावर्स ले आए तब भी वो खुश हो जाती थी, ठीक है, जब वो म्यूल के ऊपर राइड करती थी तब भी वो खुश हो जाती थी, मैं उसकी तारीफ़ करता था तब भी वो वैसे ही खुश होती थी। तो यहाँ पर ड्यूक ये कहना चाह रहा है कि मुझ में, ठीक है, और दूसरे लोगों में वो कोई डिफरेंस नहीं करती थी, वो सबको सेम ही देखती थी। ठीक है, मैं उसकी प्रेज करता तब भी वो वैसे ही खुश हो जाती थी, और जब कोई ऑफिशियस फूल, कोई बेवकूफ़ उसके लिए फूल लेके आ जाता था तब भी वो वैसे ही खुश हो जाती थी। ठीक है, इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सब कुछ एक जैसा था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, ठीक है, मैं अगर उसकी प्रेज करता, ठीक है, उसकी तारीफ करता। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, डे लाइट जो ड्रॉपिंग्स थी उनको देखना। द बो ऑफ चेरी, सम ऑफिशियल फूल ब्रॉक इन द ऑर्चार्ड फूर हर, या फिर ऑर्चार्ड में से, गार्डन में से किसी ने उसके लिए चेरीज का बो तोड़ा हो उसके लिए भी। द वाइट म्यूल शी रोड विथ राउंड द टेरेस, और वाइट म्यूल पर उसने राइड की हो, ठीक है, वो भी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट, ठीक है, सभी चीज़ों को देखकर वो ब्लश करती थी, और सभी जो चीज़ें थी वो उसके लिए एक जैसी थी। मेरा तारीफ करना, किसी और के द्वारा उसके लिए फ्लावर्स लाना, वाइट म्यूल के ऊपर राइड करना, ठीक है, डे लाइट देखना, सभी चीज़ें उसके लिए इक्वल थी। ठीक है, She thanked men good, but thanked somehow, I know not know how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. ठीक है, she thanked men, वो सभी को thanked कहती थी, good, अच्छी बात है, but thanked somehow, लेकिन वो कैसे thanked करती थी, I know not how, मैं नहीं जानता कैसे। As if she ranked my gift of a 900 years old name, ये जो word है 900 years old name, इस लाइन को देखकर जो ड्यूक है उसका हमें ये पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा प्राउड रखने वाला, ठीक है, अपना जो नेम है, अपना जो एंसेस्ट्रल जो भी उसकी पोजीशन थी, जो भी उसका नेम है, उसमें वो बहुत उसको बहुत ज़्यादा मानने वाला और उसमें बहुत ज़्यादा प्राउड करने वाला इंसान है।
तो उसको ये लगता था कि वो सबको थैंक्ड करती थी, और उसके लिए मेरा जो 900 ईयर्स जो ओल्ड नेम है उसका उसके भी वो सभी के गिफ्ट से उसको कंपेयर कर देती थी, उसका उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी, सभी चीज़ें उसके लिए क्या थी, इक्वल थी। ठीक है, हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब होता है छोटा कुछ होना, ठीक है, छोटा काम कह सकते हैं इस तरह से, कि वो किस तरह से सबको देख के सभी को थैंक्स कहती थी और सभी की तारीफ करती थी और सभी को देखकर खुश हो जाती थी। तो ये जो ट्रिफलिंग थी डचेस की, उसको ब्लेम करने के लिए कौन होगा जो झुकेगा? आई डोंट वॉन्ट टू स्टूप। स्टूप का मतलब होता है एक तरह से झुकना, ठीक है। तो हु वुड स्टूप टू ब्लूम टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, कौन डचेस का ये जो काम है उसको ब्लेम करने के लिए कौन झुकेगा? इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर तुम्हारे पास में स्पीच में स्किल है, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे पास नहीं है, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस मी हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो नोर प्लेनली सेट हर विश्स टू योर वर्स फॉर सूथ एंड मैड एक्सक्यूज इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप। इन लाइन्स में ड्यूक ने बताया है कि अगर तुम्हारे पास में स्पीच में स्किल है, ठीक है, मतलब तुम अच्छा बोल सकते हो और तुम चाहोगे कि तुम डचेस को बताओ कि तुम जो ये करती हो ना वो ट्रिफलिंग है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में तुम बताओ उसे, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू स्टूप, मैं झुकना नहीं चाहता और मैं तो उसको ये बोलना भी नहीं चाहूँगा कि ये ट्रिफलिंग है, ठीक है। आई चूज़ नेवर टू स्टूप, मैंने कभी नहीं झुकना। यहाँ पे डोमिनेटिंग नेचर भी पता चल रहा है हमें ड्यूक का, कि ड्यूक ने चूज़ किया कि ही विल नेवर स्टूप, ठीक है, वो कभी भी नहीं झुकेगा। आई चूज़ नेवर टू स्टूप, ठीक है। ओह सर, शी स्माइल्ड नो डाउट वेन एवर आई पास्ड हर, बट हु पास्ड विदाउट मस्ट द सेम स्माइल, ठीक है। ओह सर, यहाँ पर सर वो उस एनवॉय को ही एड्रेस करके कह रहा है कि ओह सर शी स्माइल्ड नो डाउट शी स्माइल्ड, बट हु एवर पास्ड विदाउट मस्ट द सेम स्माइल, मैं जब उसके पास से होकर गुजरता था तो नो डाउट वो स्माइल करती थी, लेकिन उसके पास से वो कौन था जो उसके बिना स्माइल के गुजर जाता था? मतलब मैं जब उसके पास से निकलता था तब भी वो वही स्माइल करती थी, और जब कोई और गुजरता था तब भी वो वही स्माइल करती थी, ठीक है। दिस ग्रू, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, इट्स इम्पोर्टेंट। दिस ग्रू, ये बढ़ता जा रहा था। आई गेव कमांड्स एंड देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, ठीक है, और उसके बाद में जो डचेस की सारी स्माइल्स थी देवर स्टॉप्ड टुगेदर, वो सारी की सारी क्या हो गई, रुक गई। मीन्स वी हैव क्लू दैट द ड्यूक हैड ऑर्डर्ड टू किल हर मिस्ट्रेस वी हैव क्लूज दैट द ड्यूक हैड ऑर्डर्ड टू किल हिज मिस्ट्रेस हिज डचेस, ठीक है। मीन्स उसने कमांड दिया, उसने ऑर्डर दिए और अपनी जो मिस्ट्रेस थी, अपनी जो डचेस थी, उसको उसने एक तरह से उसका मर्डर करवा दिया, ठीक है। इस लाइन से हमें ये क्लू मिलता है कि आई गिव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, नाउ ही इज अगेन एड्रेसिंग टू दैट पेंटिंग, देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, यहाँ यह है एज इफ अलाइव, जैसे कि ये क्या हो, जिंदा हो। विल इट प्लीज यू राइज, अब तुम उठोगे यहाँ से, वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, अब हम नीचे मिलेंगे। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिशियंस इज एम्पल वॉरंट दैट नो जस्ट प्रटेंस ऑफ माइंड फॉर डावरी विल बी डिसअलाउड, ठीक है। अब वो डावरी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो भी उसके लिए नेक्स्ट जो भी रिश्ता उसके लिए आया है उससे भी वो वही डावरी की बात कर रहा है। दाउ हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई ऑब्ड एज अ स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, नहीं वी विल गो टुगेदर डाउन सर, नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी होर्स दो थॉट अ रेरिटी विच क्लॉज ऑफ इंस्पर कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। और अब ड्यूक और वो जो एनवॉय है वो दोनों के दोनों टेरेस से होकर नीचे आ रहे हैं,
और नीचे आते हुए फिर से ड्यूक ने एनवॉय को कहा कि वी विल गो टुगेदर डाउन सर, हम दोनों नीचे साथ जाएंगे। नोटिस नेपच्यून, रास्ते में सीढ़ियों में नेपच्यून की वो थी, कोई पीस था, ठीक है। सो नेपच्यून हु इज़ टैमिंग अ सी हॉर्स, ठीक है, जो कि एक सी हॉर्स को टैम कर रहा है, थॉट अ रेयरिटी और दैट्स अ रेयर पीस, दैट्स अ रेयर आर्टिस्टिक पीस विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर्म, जिसको कि क्लॉज ऑफ इंसबर्ग ने मेरे लिए बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नेपच्यून है वो भी एक तरह से, जो कि टैमिंग कर रहा है सी हॉर्स को, ये भी एक तरह से सिंबल है। किसका सिंबल है? कि जिस तरह से नेपच्यून सी हॉर्स को टैमिंग कर रहा है, उसी तरह से ड्यूक जो है उसने अपनी वाइफ को टैम किया, मींस उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको सप्रेस करने की कोशिश की, और उसको कंट्रोल किया, उसको सप्रेस किया, उसको डोमिनेट किया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पोएम। अब बात करते हैं हम कि पोएम में किस बारे में बात की गई है। So the poem was first published in dramatic lyrics in 1842 and its present title was given in 1849, dramatic romances and lyrics. The poem is a monologue of a duke who is telling about the demise of his last duchess. He displays the painting of the duchess to an envoy who is sent by the duke's to-be wife's family and talks about her character. और इवन जो डचेस का कैरेक्टर है वो यहाँ पर हमें ड्यूक के खुद के पर्सपेक्टिव से ही सुनने को मिलता है कि वो किस तरह की थी, ठीक है। उसने जैसे चाहा उसको प्रेजेंट किया हमारे सामने। ही रिवील्स हर कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हिज ओन पर्सपेक्टिव। द ड्यूक एक्नोलॉजेज द मास्टरी ऑफ द पेंटर फॉर पेंटिंग अ लाइफ लाइक पिक्चर ऑफ हिज मिस्ट्रेस। ही एक्यूजेज हिज मिस्ट्रेस ऑफ हैविंग अ हार्ट दैट वॉज टू सून मेड ग्लैड एंड टू इजीली impressed. He did not like her polite and impartial behavior. He blames her for being so gentle and kind. Although her death is suspicious, but we get some clues that he had murdered his mistress. The poem exhibits the vicious, psychotic and controlling mind of the Duke, who hated his wife due to her positivity and kindness. The poem is a representative of male and female relationships. The condition of women even in the past, ठीक है, that in Victorian era was not good. They were suppressed by men. They were only considered the pieces of poetry. Men were of dominating nature. The poem is full of psychological manipulation. Throughout the poem, the Duke reveals his belief that women are objects to be controlled, possessed, and discarded. It presents Victorian era's social conditions. Women did not have right to be fully independent. Duchess crime is not sexual or romantic infidelity, but rather being happy, appreciative of others, self-confident and willing to stand up for herself. तो last line जो है उसमें हमें पता चलता है कि जो Duchess थी उसका crime ये नहीं था कि she is of romantic infidel, ठीक है, but उसका जो क्राइम था वो क्या था, being happy, खुश होना, appreciative of others, दूसरों को appreciate करना, और self confident होना, ठीक है, and खुद के लिए खड़ी होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसका क्राइम थी according to the duke, ठीक है, who had ordered to kill her। और इसमें विक्टोरियन इरा में जो वुमेन की जो कंडीशन थी, ठीक है, उसके बारे में एक तरह से बताया गया है कि किस तरह से उनको सप्रेस किया जाता था, उनको किस तरह से डोमिनेट किया जाता था, ठीक है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो एजोनेंस का यूज़ हुआ है, वो तुम खुद से सर्च करोगे। इसमें कॉन्सोनेंस का यूज़ हुआ है, वो भी तुम खुद से सर्च करोगे। एलिट्रेशन, वो भी तुम खुद से सर्च करोगे। एंजाम मैच भी तुम खुद से सर्च करोगे, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। एंजामेंट जहाँ पर लाइन एंड हो जाती है बट सेंटेंस कंटिन्यू होता है, उस लाइन में एंजामेंट का यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पर लाइन एंड हो गई है, ठीक है, लेकिन वो जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू है नेक्स्ट लाइन में। आयरनी का यूज़ हुआ है, सिमिली खुद देखना, जहाँ पर लाइक और एजवर्ड्स का यूज़ हुआ है वहाँ पर सिमिली है। हाइपरबली का यूज़ हुआ है, हाइपरबली का जो यूज़ हुआ है वो इसमें लाइन नंबर 24 में यूज़ हुआ है, मैं तुम्हें बताती हूँ। She looked on and her looks went everywhere, ठीक है, वो देखती थी और उसके जो looks थे वो सब जगह होते थे। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, तो यहाँ पर hyperbole का use हुआ है इस line में। उसके बाद में बात करें
यूफिज्म का यूज़ हुआ है। यूफिज्म नया लिटरेरी डिवाइस है हमारे लिए। तो यूफिज्म का मतलब होता है कि कोई भी जो बिटर बात होती है, ठीक है, उसको पोलाइट वे में कहना एक तरह से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो ड्यूक है उसने उसको एनवोई को ये नहीं कहा कि आई हैड ऑर्डर्ड टू किल माई डचेज, ठीक है, कि मैंने ऑर्डर दिया, ठीक है, अपनी वाइफ का मर्डर करने का, बट उसने कहा कि मच द सेम स्माइल दिस क्रू आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर देयर शी स्टैंड्स, ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर। उसने यहाँ पर इस लाइन का यूज़ किया है कि ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, ठीक है, ना कि उसने ये कहा कि आई हैड ऑर्डर्ड टू किल माई मिस्ट्रेस, ठीक है। तो यूफिज्म का मतलब यही होता है, जैसे कि किसी के डेथ होने पर अपन डायरेक्ट ये ना कहें कि उसकी डेथ हो गई है, बाकी बल्कि हम किन्हीं दूसरी वर्ड्स के द्वारा अगर हम कहें, ठीक है, किसी भी तरह के वर्ड्स होते हैं तो एक तरह से सिंपल वे में कहना, डायरेक्ट किसी चीज़ को ना कहना, ठीक है। सिंबोलिज्म का यूज़ हुआ है यहाँ पर, जो नेपच्यून है वो भी सिंबल है, ठीक है, तो सिंबल्स का यूज़ भी हुआ है। पोएम जो है वो उसमें 28 राइमिंग कपलेट्स हैं, ठीक है, दो लाइन जो आपस में राइम करती हैं, जो कि आईएम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई हैं, ठीक है। सो ये हमारी पोएम थी।